फाइनेंस का ज्ञान में मैं आपकी प्रॉब्लम इतने सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे पे खुशी में डबल कर दूंगा दोस्तों। बहुत इंक्वायरी, बहुत इंक्वायरी एंजाइटी किसे चोलामंडलम कलेक्शन एग्जीक्यूटिव मतलब कलेक्शन फोर्स एग्जीक्यूटिव चोलामंडलम में एग्जीक्यूटिव को फोर्स का नाम दिया गया, इसके बारे में बताऊंगा आपको, डिटेली करूंगा कितना इंसेंटिव है, कितनी कमाई है, कितना वर्क है, कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर बहुत देखते हो ना, और जॉब का रिव्यू भी करूंगा। तो टोटली आपको इसे मिलने वाला है आज चोलामंडलम के सब कुछ सब कुछ सब कुछ। लेकिन उसके पहले नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, खासकर बेल आइकन का बटन दबा दो भाई, वैकेंसी डेली निकल रही है, डेली अपडेट हो रही है, कहीं आपसे वैकेंसी छूट ना जाओ। फिर आप बोलो सर यहाँ पे की वैकेंसी डालते नहीं, मैं सबकी जगह डाल रहा हूँ, ऑल पैन इंडिया की वैकेंसी में डाल रहा हूँ, पैन इंडिया की वैकेंसी जहाँ चाहिए कहाँ पर चाहिए, घर के बाजू में चाहिए, आपकी गर्लफ्रेंड के घर के बाजू में चाहिए, मैं वहां भी दे दूंगा, लेकिन ओनली फाइनेंस है, बाकी कुछ बोलना फाइनेंस एंड प्लस थोड़ा मोटा मोटा बैंकिंग, ठीक है, और प्लस शेयर मार्केट में अगर आप काम शेयर मार्केट बोल रहा है म्यूचुअल फंड में काम करना चाहते हो, ठीक है। तो चोलामंडलम में देखिए कलेक्शन एग्जीक्यूटिव की जो सैलरी होती है वो स्टार्टिंग चोलामंडलम 10,000 देती है कलेक्शन एग्जीक्यूटिव को, ठीक है, और कलेक्शन एग्जीक्यूटिव का काम होता है तो चोलामंडलम जो फाइनेंस कंपनी है वो जो लोन बांटी हुई है, चाहे वो व्हीकल में हो, चाहे वो बाइक में हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो हैवी गाड़ियां हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो, तो उसमें का जो पैसा बटा हुआ मार्केट में जो चोलामंडलम ने बांटा हुआ है उस पैसे को वापस लाना ही बोलते हैं कलेक्शन, और कलेक्शन का काम है, आपको जॉब दिया गया है कलेक्शन का, ठीक है। तो आप सोचिए कंपनी आपको महीने के 25-30,000 रुपए कमाने का मौका दे रही है, एक रेपुटेशन दे रही है, चोलामंडलम इंडिया का फाइनेंस सबसे बड़ा और सबसे जेन्युइन ग्रुप है, वहां काम कर रहे हैं। अगर बोलेंगे ना किसी को मैं चोलामंडलम में काम कर रहा हूँ, सामने वाली बोलती बंद हो जाएगी। मुर्गा पक ग्रुप की सबसे बेस्ट कंपनी चोलामंडलम, मलाई कंपनी है, अच्छा जॉब है, डिसिप्लिन बस थोड़ा ज्यादा है, बाकी पैसा ऐसा इंसेंटिव तो दोस्तों सैलरी का सैलरी का 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना इंसेंटिव पाता है। इवन जो पुराने 5-5 साल से काम कर रहे हैं ना दोस्तों, 70-70 हजार 60-60 हजार रुपया पर मंथ सैलरी प्लस इंसेंटिव लेके जा रहे हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं गलत क्यों बोलूंगा, अगर बोल मेरे को मेरे तो क्या जॉब करना है, क्या जॉब मुझे आपसे करवाना है क्योंकि आप जॉब करना चाहते हो। चोलामंडलम की सैलरी है 10,000 स्टार्टिंग, पर ईयर बढ़ती है, पर ईयर बढ़ती है, 5 साल काम कर लिए तो आपकी सैलरी 25-30 हजार हो जाएगी, प्लस इंसेंटिव हो जाएगा तो 50 के मालिक हो जाओगे आप लोग। लेकिन इतना करने के बाद आप डिसीजन में करना, तो बता दो कलेक्शन एग्जीक्यूटिव का ये डिटेल है कि आपको पैसा लाना है, आपको दे दिया जाएगा पोर्टफोलियो या प्रोफाइल दे दिया जाएगा, या फिर कलेक्शन के पूरे आपको शीट दे दिया जाएगा कि इन आदमी 250-300-400 इवन जैसे कंपनी आपको देना चाहे वो दे देगी कि इन सब ये जो मैं मानता हूँ 300 का, ठीक है, ये 300 आदमी का आपको कलेक्शन लेके आना है, ये 300 आदमी आपके अंडर है, कंपनी आपका जो दायित्व दी है, कंपनी को आपके ऊपर भरोसा है, तभी आपको रखा है, इनका एक एक पैसा लेके आना। चोलामंडलम के कस्टमर डिफॉल्टर नहीं होते यार, चोलामंडलम फाइनेंस ही ऐसे लोग को करती है जो मतलब चोलामंडलम मलाई कस्टमर उठाती है, मलाई कस्टमर देखती है, बैकग्राउंड देखती है, सिविल स्कोर देखती है, पन्ना देखती है, ये देखती है, उसी को देती है, क्योंकि उसका ब्याज दर इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है, क्योंकि जो बड़े बड़े अच्छे और पैसे देने वाले टाइम टू टाइम जिनको सिविल का बहुत टेंशन होता है कि मेरा सिविल खराब ना हो जाए, वही लोग चोलामंडलम से फाइनेंस कराते हैं, क्योंकि ब्याज रेट बैंक से भी कम पड़ जाता है। चोलामंडलम में बहुत सारी रियायतें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अगर पैसा नहीं है तो लोन भी माफ हो जाता है, तो चोलामंडलम का काम करने का बहुत वो है। लेकिन अगर आप कलेक्शन एग्जीक्यूटिव में काम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करना पड़ेगा, प्लस आपको थोड़ा कड़क होकर काम करना पड़ेगा। फाइनेंस में जी हूँ जरूरी जी सर यस सर है, क्योंकि वो सेल्स है, सेल्स मार्केटिंग में आपको हाथ जोड़ना पड़ेगा कस्टमर को, लेकिन कलेक्शन में आपको किसी कस्टमर के आगे हाथ नहीं जोड़ना, बल्कि कस्टमर आपके सामने हाथ जोड़ेगा, क्योंकि आप उसके क्या बोलते हैं उसको वसूली भाई
किस्मत था तो गोलमाल में था, गोलमाल में वसूली भाई का काम है सीधा पर बिंदास एटीट्यूड में रहने का, एटीट्यूड में हर कुछ काम करने का, नॉट एक्टिंग करो, एक्टिंग एक्टिंग जैसे आप दोनों बात करते हैं, सर कैसे आप भाई, कैसा कैसा मैं ठीक हूँ भाई ठीक है, लेकिन जहाँ पर कस्टमर सर ये सर सर आपका कलेक्शन सर सर इस महीना नहीं होता है, क्यों नहीं होता है सर, देखिए आप ये ऐसा मतलब आप कस्टमर से झगड़ा कर सकते हैं, इवन कस्टमर आपको बोला बैंकिंग में यही काम आप कस्टमर को उल्टा जवाब दे दिया ना तो बैंक में अगर फोन चल दिया ना आपकी नौकरी जा सकती है, आपको गाली पड़ सकता है ठीक है, लेकिन कलेक्शन में कस्टमर को पीट भी दिए ना तो नॉन बैंकिंग सेक्टर कुछ बोलते ही नहीं है, और वो फोन करके बोला बाई चांस बीएम को सर आपको जो एग्जीक्यूटिव से बदतमीजी किया तो करेगा ना यार, आप 5-5 महीने का किस्त ड्यू रखोगे, आप हमारा फोन नहीं उठाओगे, आप पैसा नहीं दोगे, भरोगे नहीं, गाड़ी नहीं दोगे तो क्या मेरा कलेक्शन आपका हाथ जोड़ के प्रणाम करेगा, मारना नहीं किसी कस्टमर को है, कस्टमर क्या दुनिया में किसी भी व्यक्ति को नहीं मारना है ठीक है, लेकिन बातों से मार देना इतना इंप्रूव को, पर्सनालिटी अच्छी रखो, पर्सनालिटी अच्छी मतलब नहीं आप ये हट्टा कट्टा ऐसा ऐसा नहीं है, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छा ड्रेसअप सेंस कि किस कलर के ऊपर क्या पैंट जाता है, किस पैंट के ऊपर क्या कलर जाता है, मेरे ऊपर कौन सा कलर सूट करता है, मैं क्या पहनू, वॉच पहनने मैं वॉच नहीं पहनता ठीक है, मुझे वॉच पहनना पसंद नहीं, ना मैं मुझे गोल्ड का शौक है, ना मुझे कुछ ब्रेसलेट का शौक, मैं एकदम सिंपल से साधा रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल ही आदमी हूँ, जेन्युइन काम करता हूँ, ज्यादा मगजमारी नहीं करता, ज्यादा बात भी नहीं करता मैं, मतलब काम की बात करता हूँ, मतलब मुझको रिजल्ट चाहिए और सीधी रीति से चाहिए, अच्छे से चाहिए, लंबा घुमा फिरा के बात करना मेरे को नहीं आता है, सोलह मंडल में आप अगर कलेक्शन एग्जीक्यूटिव में जॉब कर रहे हैं तो आपको सैलरी 10,000 मिलेगा ठीक है, 10,000 आपकी सैलरी हो गई, बस बाकी पीएफ तो हटा दो तो आपको इतना मिलेगा, आप वो नहीं कर पाएंगे ठीक है, प्लस इसमें इंसेंटिव मिलता है परसेंटेज के ऊपर कि आपने कितना परसेंट कलेक्शन किया है ठीक है, मैं कल परसों ही मैं बाइक के लिए गया था तो बीएम से पूछ मैं कलेक्शन का भी पूछ लेता हूँ सर अभी क्या हाल चाल चल रहा है कलेक्शन का, तो बोले सर मैं कलेक्शन में आदमी कितना इंसेंटिव कमा सकता, तो बोले उसके ऊपर है, बोले यार जितना करे जितना 95% अगर कलेक्शन उसने कर लिया कलेक्शन एग्जीक्यूटिव में ठीक है, तो सोच भी सकते चोलामंडलम की जो लोन है ना लोन, चोलामंडलम में प्राइम गाड़ी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ऑडी एसयूवी ये सब गाड़ियां उठती है समझे, ये सब गाड़ियां श्रीराम श्रीराम से कभी नहीं उठती है, महिंद्रा से उठने का सवाल ही नहीं होता है, जितनी हाई फाई गाड़ी है लैम्बोर्गिनी सब पहले सब आदमी चोलामंडलम से उठाते हैं और दूसरी कोई कंपनी से नहीं उठाते, हो सकता है आप इंडस्ट्री से उठा लें रिलायंस फाइनेंस से वो एक फाइनेंस है या मैग्मा से ले लें या फिर बैंक से तो लेने वाले हैं नहीं ऐसे गाड़ी, ये गाड़ी का प्राइम सेगमेंट है, जितनी भी लग्जरियस गाड़ी है पजेरो है और लैंड क्रूजर ये सब गाड़ियां उठती है चोलामंडलम से, आदमी ये सब गाड़ी लेना सोचता है तो सबसे पहले जाता है चोलामंडलम के ऑफिस में, तो उसमें होम कस्टमर अभी मैं फाइनेंस पे आ गया मैं कलेक्शन हाँ नहीं कलेक्शन भी मामला है ठीक है, तो जो आदमी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज ऑडी ले रहा है क्या आपको किस्त नहीं देगा, तो जो जो आदमी ऑडी मेंटेन कर रहा है 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ की गाड़ी मेंटेन कर रहा है तो वो आपको किस्त नहीं देगा, तो कलेक्शन में देखिए मैं बता दे रहा हूँ चोलामंडलम जैसे कंपनी में काम करोगे ना तो आपको 60% कलेक्शन मिल जाएगा, बाकी कंपनी में आपको 40 मिलता है मैं बोलता हूँ, महिंद्रा में भी चलो 50 तक मिल जाता है क्योंकि वहाँ पे चीप कस्टमर है, श्रीराम में तो 30-40 का ही है बाकी 60% तक आपको करना पड़ेगा ठीक है, लेकिन चोलामंडलम में बोलूंगा तो 60% आदमी खुद लोन भर देता है और एक दिन पहले भर देता है क्योंकि वहां जितने लोग भी हैं जो ऑडी लेते हैं जो जितनी बड़ी बड़ी गाड़ी ले रहे हैं उनको अपना सिविल मेंटेन करना पड़ता है, उनका सिविल खराब हो गया ना मार्केट में उनको एक लोन नहीं मिलने वाला, ना उनको एक फंड मिलने वाला, ना उनका कोई प्रोजेक्ट होने वाला है, ना कुछ होने वाला है ठीक है, क्योंकि उनको पैसे काम है सब बिजनेस मैन है, कोई नौकरी वाला ऑडी नहीं उठाता, कोई नौकरी वाला मर्सिडीज नहीं उठाता, मतलब ये गवर्नमेंट जॉब वाले बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट जॉब वाले तो उठाते हैं कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट सॉरी है कॉर्पोरेट का बात नहीं कर रहा हूँ मैं गवर्नमेंट जॉब वाला बात करता कोई किसी देखिए किसी क्लटर को किसी मर्सिडीज में घूमते हुए आप कभी देखिए किसी एसपी को मर्सिडीज में घूमते हुए नहीं उठा सकते इन लोगों को, इनको अलाव ही नहीं मर्सिडीज उठाना, उठाएंगे तो कल नौकरी छूट जाएगी, ये कॉर्पोरेट वाले सीईओ
मैंने जिन डायरेक्टर ये सब उठाते हैं और ये सब आते हैं चोलामंडलम में, तो उनको बोलने की जरूरत नहीं है, आना इनके पास जाने की जरूरत है। आपका 300 का लिस्ट है तो 300 में 60% हो गया 150, और अब उसमें आप जोड़ ले तो 60 हो गया, दस कितना मतलब करीब 150-300 में लगभग आप समझ लो कि 175 लोग आपका किस्त आपको भर देंगे और उसका इंसेंटिव आपको दबा के मिलेगा, क्योंकि गाड़ियां महंगी हैं, लोन का रेट महंगा है। 40 लाख फंडिंग हुआ, 80% फंडिंग होता है, ठीक है, 40 लाख फंडिंग हुआ है, 90 लाख फंडिंग हुआ है, इनकी कीमत कितनी है, ठीक है, तो इसका कलेक्शन का परसेंटेज 60% लोग अगर भर दिए ना चोलामंडलम में कलेक्शन में हैवी गाड़ियों में, मतलब हैवी मतलब ये गाड़ियों में, तो आपका जो इंसेंटिव होगा वो होगा ना वो सैलरी से 3 गुना 4 गुना 5 गुना ये होगा इंसेंटिव। चोलामंडलम में इंसेंटिव दबा के आता है, लेकिन एक्स्ट्रा कमाई 1 रुपए के नहीं है उनका। देखिए हर कंपनी का एक प्रोसीजर होता है, श्रीराम में इंसेंटिव कम आता क्योंकि जानती है कंपनी इसमें 1 महीने आदमी काम है, कलेक्शन प्लस आपको रीफाइनेंस प्लस आपको न्यू फाइनेंस ओल्ड ऑटो सब आपको करना है, तो ये लोग एक महीना में 20-15 हजार रुपए तो ऐसे ही छाप लेते हैं, प्लस सैलरी है प्लस इंसेंटिव, तो वहां भी 50-60 पहुंच जाता है। ऐसा नहीं तो हर कंपनी का होता है, लेकिन चोलामंडलम में आप एक्स्ट्रा कमाई नहीं कर सकते, बिल्कुल मांगना मत, बहुत हाई फाई गेस्ट है, बहुत हाई फाई गर्ल्स हैं, डॉक्टर इंजीनियर किसी कंपनी के सुए उनसे तो बिल्कुल बात ही मत करना। आपको आपको कलेक्शन में अगर आपने 95% कलेक्शन कर दिया ना 300 पोर्टफोलियो में, तो मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूँ, गारंटी देके बोल रहा हूँ कि आप महीने के 25-30 हजार रुपया 31 तारीख को सिर्फ इंसेंटिव कमाएंगे, इंसेंटिव कमाएंगे, प्लस आपकी सैलरी 10 हजार है तो हो गया आपका 25-10-35 हजार रुपया। मैं ये फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, मैं फ्रेशर यही आपकी सैलरी जो 20 हो जाएगी ना और आपका पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा ना, तो यही सैलरी आपके महीने के 28 और 31 तारीख को मिला के 28 को सैलरी 21 तारीख को आपका इंसेंटिव मिला के 60 हजार रुपया पर मंथ आप कहीं नहीं गया और एक अपने शहर में रह के अपने छोटे से शहर में रह के 60 हजार रुपया अगर कमा रहे हो ना भाई, तो 20 हजार खर्चा कर लेना, 10 हजार रुपया बैंक में डाल देना, कभी मतलब ऐसे मतलब कभी बीमार में पड़ गए तो काम आएगा, मतलब एटलीस्ट बैंक में आपके 1 लाख रुपए रहे, उससे ज्यादा बैंक में रखना भी नहीं बता रहा हूँ। सारे पैसे शेयर में इन्वेस्ट करो, सारे पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, ये सब में इन्वेस्ट करके रख दो, समझे, ये पैसा बढ़ेगा। ये मतलब आपने मुर्गी पाल ली है जो अंडा देती रहेगी, दुनिया में हर चीज घट जाएगा, लेकिन ये जो मैं चीज बताया इंश्योरेंस पलना ये कभी नहीं घटेगा। आपको पता है जब रिलायंस का जो फर्स्ट सेट आया था, अभी जो ये क्या बोलते हैं एंड्रॉइड नहीं अपना, ये 500 रुपये में सेट मिलता था जिसमें सब चलता था अपना, ठीक है, वो सेट सेटिंग में आया था, मैंने खुद दिया था 500 रुपए का रेट था, 500 रुपए का रेट था। अगर उस मोबाइल के शेयर में अगर आप उस समय पैसा डाल देते तो आपका आज कितना पैसा बन के मिलता, 1 लाख का आपको आज की रेट में अगर उस चीज में अगर पैसा डाल, उस मोबाइल 500 रुपए के मोबाइल के शेयर में पैसा डाल देते ना आप, या उस मोबाइल के प्रोडक्ट में पैसा डाल देते ना, तो आपका 1 लाख रुपया आज की डेट में 15 लाख रुपया बन के मिल जाता है, समझे, क्योंकि वो सेट जो 500 रुपए का था आज की डेट में खरीदने जाओगे तो 3000 रुपए का सेट है, वो 3000 या 2500 रुपए का सेट है, शायद मैंने पता किया था, मतलब 500 में लिया था यार, नहीं सर अभी 2500 या 3000 रुपए से रिपोर्ट, जो ग्रोथ को जो ग्रोथ कितना परसेंट हिसाब नहीं कर पाओगे, कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कितना परसेंट हो गया, तो शेयर में इन्वेस्ट करो। शेयर तो वीडियो बनाने वाला हूँ, मेरे ये सब कैबर हैं, बहुत स्टार्टिंग से जो मुझसे जुड़े हुए हैं लोग हैं वो बता रहे हैं सर शेयर के बारे में बताओ, बहुत जल्द एक बहुत बड़ी कंपनी का मेरे पास ऑफर आया है, उनके शेयर को रिव्यू भी करना है, और बहुत अच्छी कंपनी है और उसमें मेरे भी पैसे लगे हुए हैं और काफ़ी ग्रोथ मिला है मुझे उस कंपनी से, तो वो मैं आपको बताऊंगा डिटेलिंग वीडियो, उसके लिए बहुत सब प्रोसीजर है कि उनका लिंक है, अपना
आधार कार्ड पैन कार्ड उसको अटैच करके उनको देना है, तो वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं काम ही नहीं, मतलब निकल ही नहीं पा रहा हूँ। देखिए सुबह एक वीडियो, शाम को एक वीडियो, फिर 6 घंटा तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आप उनके मैसेजेस हैं उनको रिप्लाई, फिर आपके व्हाट्सएप रिक्वायरी है उनको रिक्वायरमेंट, फिर आपके फोन आते हैं, मैं उसमें आपको गाइडेंस मोटिवेशन देता हूँ, तो टोटली हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा मुझे हल्का हुआ है कि मेरे जो टीम बढ़ते जा रही है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप मुझको आज संभालने की जरूरत नहीं पड़ रही है, व्हाट्सएप ग्रुप दिन बढ़ते जा रहे हैं, प्रतिदिन 20-25 पोस्ट आ रहे हैं। अभी हम लोग ऐसा भी करने वाले हैं कि यूपी का अलग कर दूंगा, बिहार का अलग कर दूंगा, एमपी का अलग कर दूंगा, गुजरात का अलग कर दूंगा, राजस्थान का अलग कर दूंगा, दिल्ली का अलग कर दूंगा, पंजाब का अलग कर दूंगा। तो जो भी अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। और आपको पोस्ट डालना हो, अगर पोस्ट आपके पास है, आपके पास तो इतना लिंक है कि आपके पास फाइनेंस और बैंकिंग है कि पोस्ट आते हैं, तो बिल्कुल जुड़िए, मैं आपको पैसे दूंगा पोस्ट डालने के, मैं आपको पोस्ट डालने के पैसे दूंगा। आप मंथली में पोस्ट डालना बता देना, सर मैंने इस महीने इतने पोस्ट डाले, खत्म बात। आपको मैं 2 मिनट में आपको फोन में पैसे दे दूंगा। मुझको मेरे भाइयों और छोटे भाइयों को जॉब दिलाना है हर जगह भारत के, इवन पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मेरे को जॉब दिलाना है और बहुत आगे बढ़ाना है। मेरे सपना है कि मैंने जो कमाया, मैंने जो इज्जत कमाई, मैंने जो जिंदगी में पाया, वो सब आपको मिले, सब आपको मिले और मेरे से आपको डबल मिले। मेरे से डबल मिल गया ना आपको, तो आपकी लाइफ या आपके 7 पीढ़ी का तो बात करता नहीं है, 7 पीढ़ी गोदरेज अंबानी का उनका तो 7 भी नहीं, अंदर 25,000 पीढ़ी भी निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आपकी एक पीढ़ी और आप और आपके आपको जो कमाएंगे, तो आप बच्चों को कभी भटकने नहीं पड़ेगा नौकरी के लिए, कुछ किसी चीज के लिए। और चोरामंडल में जॉब करती है ना दोस्तों, तो आपके घर में कभी भी पैसे को लेकर कभी तकलीफ नहीं आएगी। चोरामंडल के नाम से किसी भी बैंक में जाओगे ना, कितना पैसा चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, किसमें चाहिए, क्या चाहिए, लेकिन किसी भी बैंक में जाना, जहां आपका सैलरी आता है उसी बैंक में जाना, ठीक है। क्योंकि वहां सैलरी, क्योंकि वहां पर आपको आधा घंटा, 1 घंटा, मुश्किल से 2 घंटे में आपको लोन ऐसी देगा, ऐसी जहां चोलामंडलम की सैलरी आती है हर शहर के साथ में। ज्यादातर एक्सिस में आते हैं, एक्सिस का करते हैं लोग, फिर अभी HDFC भी कर रहे हैं, लेकिन एक्सिस और HDFC से इनका क्या बोलते हैं उसको बंधन है, तो वहीं से होता है। तो लोन मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड लेकिन यूज मत करना, करना है तो पूछ के करना है कितना परसेंट करूं, क्या करूं, कुछ नहीं रखे रहना, काम आता है कभी भी, क्रेडिट कार्ड तो हर जगह चलता है, ठीक है। कभी घर में कोई बीमार हो गया, अब अर्जेंट पैसे की जरूरत तो है, तो आपने अभी गोल्ड लिया है, उसको बेचने में मतलब सस्ते में बेच के ना, जब बेचना है तो अच्छे से बेचना है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, उस समय स्वाइप करना जब आपको बहुत जरूरत हो, जब आपको बच्चे का एडमिशन करना है तो भी नहीं, बीवी के लिए कुछ करना है तो भी नहीं, जब आपके घर में आपका बच्चा बीमार पड़े, बीवी बीमार पड़े, माता बीमार पड़े, तो अर्जेंट में क्रेडिट कार्ड यूज करना, तो आपका क्रेडिट कार्ड सक्सेसफुल है। वरना ये मोबाइल लेने के लिए, एप्पल लेने के लिए, ये सब शॉपिंग करने के लिए मोबाइल के लिए तो क्रेडिट कार्ड यूज करना ही चाहिए। क्रेडिट कार्ड मतलब होता है उधार, क्रेडिट मतलब उधार। इलाज के लिए तो आदमी घर बेच देता है, जमीन बेच देता है, अपनी किडनी बेच देता है यार अपने लोगों के लिए। आप उसे क्रेडिट कार्ड को स्वाइप ही करना है ना, क्रेडिट कार्ड का मतलब ही वही है कि आप इसको अपने हेल्थ में ही इन्वेस्ट करें, बाकी किसी चीज में इन्वेस्ट ना करें क्रेडिट कार्ड को, ठीक है। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड से क्रेडिट कार्ड ले लिए और आपने उसको भर दिया, तो गोल्ड तो आपका गोल्ड ही है यार, आपको तो गोल्ड ही बना देगा, ठीक है। तो और मैं किस चीज में बात कर रहा हूँ, पैशन में है, तो ये आपका है पैकेज सैलरी, और काम आपका सिर्फ 60% हो जाएगा, 40% आपको फील्ड में निकलना पड़ेगा, ठीक है। मैं चोरामंडलम के ऑफिस जब भी जाता हूँ, मैं देखता हूँ यार वहां तो सब ऑफिस ही में बैठे रहते हैं। मैं एनी टाइम अपने दोस्त से मिलने जाता हूँ, मैं तो मेरे दोस्त को ही मिल जाते हैं, मेरे को उनको ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि चोरामंडलम का होम कस्टमर है। चोरामंडलम में लोग ढूंढ के आते हैं, मतलब आपको फील्ड में, फील्ड एक नाम है, अच्छा एक फील्ड कैसे कहते हैं ये मैं आपको डिटेलिंग बताऊंगा, बहुत लोगों को पता नहीं फील्ड क्या होता है, मैं आपको टोटल फील्ड का मतलब बताऊंगा, जिससे आपको नॉलेज मिलेगा कि फील्ड कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, जिससे आपको केसेस मिले, कलेक्शन मिले, सब कुछ मिले। तो कलेक्शन चुना मतलब में कोई टेंशन नहीं है, आपको कलेक्शन 40% कलेक्शन करना है, जो एक फोन में हो जाएगा,
20% लोग थोड़ा रहेंगे एड़े जिनके पास पैसा नहीं रहेगा, और अगर ऐसे बहुत एक दो चार गेस्ट रहेंगे जो देना नहीं चाहेंगे, डिफॉल्टर हैं लेकिन हो गया उनका बाई चांस उनका फाइनेंस, तो उनसे निकालना पड़ेगा बस पैसा। बाकी डर के मत काम करना, क्योंकि कंपनी का फुल सपोर्ट आपको रहेगा, बस गाली मत देना, हाथ नहीं उठाना। बाकी आप मुंह से कितना भी उनको धमकी दे सकते हो, इवन आप उनकी गाड़ी उठा के ला सकते हो। हाँ, एक और बहुत बढ़िया है कि आप फीजिंग में काम कलेक्शन में काम कर रहे हो, तो कल एक वीडियो बनाऊंगा कलेक्शन के ऊपर, बनाओ कि नहीं बनाओ पहले बता दो, आप लोग देखते नहीं हो। कलेक्शन में कभी भी जाओ तो बहुत सतर्क रहना, क्योंकि कलेक्शन में सामने वाला आदमी आप पे केस भी लगा सकता है, और क्या क्या केस लगा सकता है और आपको क्या क्या सजा हो सकती है उसके बारे में डिटेल एक वीडियो में अगर आप बोलोगे तो बना दूंगा। होता कुछ नहीं है, सबका इलाज है, कंपनी ऐसे भजिया लेके नहीं बैठी है, आप बहुत सेफ जगह काम कर रहे हो, आपके कंपनी एक आँच आने नहीं देगी। उनके पास 10-10 लीगल एडवाइजर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, राष्ट्रपति तक के जाने वाले लोग होते हैं, तो आपको तो कुछ होने वाला नहीं। एक दिन था कुछ, आपको पुलिस तो आपको आएगी नहीं आपके पास में, दस कोर्ट जाना पड़ जाएगा एक दो दिन के लिए, वो आपका काम के अंडर में आता है, ठीक है। फाइनेंस में काम कर रहे हो, पैसेज काम कर रहे हो तो होगा वो, ठीक है। तो क्रेशन में अगर आपको जानना चाहता है कि क्या केस लगता है, कैसे बचे हैं, या फिर क्या गलती, हम ये गलती कर ही नहीं ना कि हमारे पर केस लगे, ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में डिटेलिंग वीडियो बना दूंगा ताकि आप इस बारे में जान जाओ। ये मुझे कमेंट कर रहा था चोलामंडलम में जॉब करके आए, तो क्रेशन के बारे में मुझे बताइए। तो चोलामंडलम का ये कलेक्शन है, इंसेंटिव मिला के आप एक साल फर्स्ट साल मतलब फाइनेंस वाले से ज्यादा कमाओगे, मैं इतना बोल रहा हूँ, चोलामंडलम में आप बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ 25,000 एज ए फ्रेशर है, आपने ज्वाइन किया अभी 24 साल की लड़की हो, और इवन 5 साल काम कर लिया तो 50,000, 10 साल काम कर लिया तो आपका 50 से 60,000, 20 साल काम कर लिया तो 1,00,000 मार दोगे आप, ठीक है। और 20 साल काम कर लिया तो आप किस पोस्ट पे रहोगे यार, हैं? अब पोस्ट में भी हो तो ब्रांच अगर जाना ही है तो ब्रांच मैनेजर पोस्ट में जाना, क्योंकि बाकी ऐसे पोस्ट में पैसा उतना नहीं है। ब्रांच मैनेजर पोस्ट में पावर पैसा सब कुछ होता है, जैसे बोलते हैं ना देश में सबसे बड़ा कौन होता है, राष्ट्रपति होता है पहला आदमी, लेकिन काम कौन करता है, प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पैसा होता है गृह मंत्रालय मंत्री के पास में। सोचो हेड कौन है, राष्ट्रपति, कुछ पैसा नहीं कमा सकता लेकिन नहीं मिलते उसको अपॉर्चुनिटी, उसकी बस इज्जत है, नाम है, पहला आदमी है, बस वो है, ठीक है। काम कौन करता है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को हर जगह अटेंड करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन पैसा कौन कमाता है, गृह मंत्री ही पैसा कमाता है, जितने भी फाइनेंस सब कुछ डिसीजन सब कुछ ए टू जेड काम गृह मंत्रालय से ही होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ नहीं होता है। प्रधानमंत्री सिर्फ देश को आगे बढ़ाने में जाता है, सब कुछ करके प्रपोजल देता है, लेकिन उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना गृह मंत्रालय के हाथ में होता है। तो यही प्रोसीजर है कि किस फील्ड में जाए, क्या बने, कि ऐसा नहीं कि आपको स्टेट हेड बना रहा है और आप कुछ दूसरा पोस्ट चुन लिए। मैं आप में से पूछिए, मेरे को ये ऑफर मिल रहा है, मुझको ये है, मैं आपको बता दूंगा इसमें करो, पैसा कमाना है, इज्जत कमाना है तो इसमें करो। टोटली मैं आपको डिटेलिंग कर दूंगा दोस्तों, मैं आपके लिए अभी बताया ना, मैं 40 साल मैं आपको दे दिया हूँ और आपके बच्चों को दे दिया हूँ, अगर आपको मैंने सेट नहीं किया इवन 2 साल में तो मैं खुद की एक कंपनी खोलूंगा और आपको काम पे लगा दूंगा। नहीं टेंशन, दिक्कत नहीं, चैनल बढ़ रहा है, 1-1.5 साल में चैनल इतना बढ़ जाएगा कि मैं खुद आप लोगों की कई हेल्प कर सकता हूँ। हो सके तो मैं बहुत जल्दी एक फाइनेंस का वो ले लूंगा, अपना क्या बोलते हैं कंसल्टेंसी ले लूंगा, जहां पर जॉब अपन किसी भी कंपनी को अपन से क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं कंपनी से जुड़ के फाइनेंस या बैंकिंग सेक्टर में अपन जॉब दिलाएंगे, जो भी उनका रहेगा अपन करेंगे, हो सके तो फ्री रहेगा, जितना हो सके तो फ्री रहेगा, हमको उनको जॉब देना, हर जगह में जॉब देना, ये कंसल्टेंसी का काम रहता है। बस ये मेरे को उसका लाइसेंस बनाना पड़ेगा और थोड़ा बहुत काम रहेंगे, थोड़ा पैसा खर्चा है उसमें, ठीक है, वो बन गया अपन समझ लो अपना फाइनेंस का ज्ञान कंसल्टेंसी, तो आपको फिर तो भटकने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आपकी गर्लफ्रेंड के घर के बाजू में आपको जॉब दे दूंगा, ठीक है। तो समझ जाओ बहुत आगे बढ़ने वाले, बहुत सही जगह है, वीडियो को प्लीज लाइक कर दो और शेयर नहीं करते हो आप लोग आजकल यार, शेयर कर दो और प्यारा से कमेंट करो और अच्छा विषय दो यार, आप लोग विषय देते हो तो मुझे बनाने में मजा आता है, मैं अपने विषय देखता हूँ तो मुझे लगता नहीं कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन आप इंटरेस्ट
इंटरेस्ट नहीं किया, आप तो मेरे से प्यार करते हैं, मैं आपसे प्यार करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कभी ऊंचा है कभी नीचा है, कभी सुख है कभी दुख है, ऐसे ठीक चलते रहता है लाइफ में, ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों, तो बाय बाय दोस्तों, खुश रहना, अच्छे से रहना, मेहनत करते रहना, मिलते हैं अगली वीडियो में शाम को, नहीं कल सुबह एक नए वीकेंड के साथ में, और कल शाम को मोटिवेशन प्लस एजुकेशन के साथ में, तब तक बाय बाय, शुक्रिया और शब्बा खैर दोस्तों।